जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तजनों, आज की वीडियो हम रामचरितमानस के अरण्य कांड से ले रहे हैं। ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब भगवान राम शबरी के आश्रम पधारे तो शबरी जी ने रामचंद्र जी को घर आए देखा तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और उनको मुनि मतंग के वचन याद आए और उनको याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। प्यारे भक्तों, शबरी जी प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन ही नहीं निकल रहे थे, बार बार चरण कमलों में शीश नवा रही हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। प्यारे भक्तों, फिर शबरी जी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई और प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम हैं। स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। श्री रामचंद्र जी शबरी जी से कहते हैं, मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। भगवान कहते हैं, पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें, मेरे नाम यानी राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो कि वेदों में प्रसिद्ध है, और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील या अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराए दोषों को न देखना। प्यारे भक्तों, नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का न होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती है, यानी इन नौ भक्ति में से कोई एक प्रकार की भी भक्ति कर लेता है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन चाहे कोई भी हो, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। प्यारे भक्तों, ध्यान से सुने, अगर एक प्रकार की भक्ति को आपने अपना लिया और उसको ठीक से अपने जीवन में धारण कर लिया तो आप भगवान राम के अत्यंत प्रिय हो। फिर भगवान कहते हैं, हे भामिनी, तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ हैं, अतः एवं जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। प्यारे भक्तों, भगवान राम कहते हैं शबरी से कि ऐसी गति तो योनियों को भी नहीं मिलती और तुम्हारी भक्ति के कारण आज तेरे लिए बहुत ही सुलभ यानी आसान हो गई है। प्यारे भक्तों, आप भी जो भगवान राम ने ये नौ भक्ति बताई है, इनमें से किसी भी एक भक्ति को अपना लेंगे
तो भी आप राम के अत्यंत प्रिय बन जाएंगे। प्यारे भक्तों, तो भगवान राम की भक्ति करें और उनके प्रिय बने और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान राम को प्राप्त करें। क्योंकि जो मनुष्य ये सब कर लेगा, एक भक्ति भी कर लेगा तो भी काफ़ी, और जिसने नौ की नौ कर ली फिर उसके तो कहने ही क्या है। प्यारे भक्तों, आप खुद ही समझदार हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।